सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिनों तक चलेगा। बता दें कि 19 सितंबर से शुरू होकर ये सत्र 23 सितंबर तक चलेगा। शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विपक्ष और सरकार दोनों एक दूसरे को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा के इस सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे और विधानसभा सचिवालय में मानसून सत्र का पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 19 सितंबर को सदन में मृत्यु निर्देश पारित किया जाएगा और 20 सितंबर को औपचारिक व्यवसायिक अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम आदि सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही यूपी सरकार कई विधियों को भी सदन के पटल पर रखेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, 19 से 23 सितंबर तक विधानसभा सत्र चलेगा, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी मयूरी, आपको बता दें कि हाल ही में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो मंत्रियों के द्वारा प्रस्ताव किया गया कि जो अनुपूरक बजट है उसको पास कर उसको चलने की तिथि को मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि आप जो सदन के स्पीकर है उनके समक्ष रखकर और विधानसभा की कार्रवाई को चलाने का काम किया जाए। उसी क्रम में आपको बता दें कि मानसून बजट की शुरुआत 19 सितंबर से और 23 सितंबर तक किए जा रहे हैं, जिसमें ये जो बजट होगा ये दूसरी बार यानी कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में दूसरी बार पूरे बजट को जो पूरा कार्यक्रम होगा वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से डिजिट टैब के द्वारा होगा। साथ ही साथ आपको बताया कि जो सवाल पूछने की प्रक्रिया होगी उसमें जो तमाम विधायक होंगे वो अपने सवाल का जो सवाल काल होता है साथ ही साथ वो स्पीकर से बोलने की अनुमति मांगने की प्रक्रिया होती है, ये सभी कार्य अब डिजिटल माध्यम से इस बार होंगे। और साथ ही इस बार माना ये जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। 3 दिन के इस सत्र में कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष हमलावर भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाल ही में विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 19 से और 23 सितंबर के बीच में जब विधानसभा का सत्र चलता है तो किन मुद्दों पर विपक्ष बात करता है, और वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से अपने संबोधन में ऐसे कई सारे बातों को कहा, माना ये जा रहा है कि विधानसभा सत्र जब चलेगा तो ऐसे कई सारे विधेयक जो पहले से फंसे हुए हैं उस पर चर्चा करके उसे पास कराने की बात की जाएगी। जी मयूरी जी, विभांशु, विधानसभा के सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक को पेश करने की बात कही गई है, उसमें 3 महत्वपूर्ण विधेयक कौन से हैं और किन विधेयकों पर बात हो सकती है या पेश किए जा सकते हैं? जी आपको बता दें कि नगर विकास विभाग को लेकर उससे जुड़े एक प्रस्ताव को पारित करें, इसके साथ ही 3 अहम प्रस्तावों को इस प्रकार माना ये जा रहा है कि पेश किया जाएगा। और वहीं अगर देखें तो सरकार के साथ अपने उपलब्धियों को जो अब तक सरकार के दौरान काम किया है और साथ ही साथ अब तक की जो 2.0 की सरकार है इसमें किस तरह का काम हुआ है इस पे चर्चा की जाएगी। और विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर घेरने का प्रयास करेगा, चाहे अभी से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार की सदन की कार्रवाई में हम 111 की संख्या में है, साथ ही साथ 7 RLD से है, तो इनकी संख्या को अगर जोड़ा जाए तो 403 में से 118 सीटों पर विपक्ष बैठा हुआ है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि शिक्षक भर्ती हो या कनिष्ठ सहायक हो या अबकारी सिपाही हो या वो तृतीय संशोधन के अभ्यर्थी हो चाहे वो आरक्षण घोटाले के अभ्यर्थी हो, ये सभी मुद्दों को लेकर जो युवा है जो बेरोजगार है इन सभी मुद्दों को लेकर इस बार विपक्ष घेरने को हमलावर होगा। वही मुख्यमंत्री का जब 2.0 की शुरुआत होती है तो एक विकास के खाका तैयार करने की कहा जाता है जिसमें 100 दिनों के साथ साथ 6 महीना फिर 2.5 साल और 5 साल ऐसे प्रारूप के तहत काम करने के निर्देश दिए गए थे। तो 6 महीने का जो मोटिव था, जो 6 महीने का लक्ष्य था उसपे भी चर्चा की जाती है कि आखिर क्या आप 6 महीने में बदलाव ले आ रहे हैं। वहीं आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब पिछली सरकार थी तो दर्जनों प्रस्ताव पारित नहीं हुए थे, तो माना ये जा रहा है कि इस बार
इस बार के सदन की कार्यवाही में जो प्रश्नकाल के बाद समय बचेगा तो उसमें विधेयक पास करने की भी प्रक्रिया होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां दर्जनों विधेयक अभी पेंडिंग में पड़े हैं तो किन विधेयकों को पास किया जाएगा वो आने वाले समय और सदन की कार्यवाही के समय समक्ष में होगा। मगर माना ये जा रहा है कि इस बार का सदन जो पिछला योगी सरकार था उससे कहीं ना कहीं बेहतर और लोकतांत्रिक ढंग से होगा, क्योंकि इस बार देखें तो विपक्ष के रूप में पिछली बार समाजवादी पार्टी के 47 विधायक थे, मगर इस बार पूरी तरह से देखा जाए तो लगभग 111 केवल समाजवादी पार्टी के हैं। तो शोर शराबों के बीच कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा की कार्यवाही चलते हुए दिखेगी और साथ ही साथ विपक्ष अपना पूरा काम करते हुए नजर आएगा। जी मयूर जी, जैसा अभी आपने विवांशु कहा, विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने की, तो इस सत्र में विपक्ष और सरकार दोनों एक दूसरे को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार विपक्ष किन मुद्दों को उठा सकता है, किन किन मुद्दों को वो बात कर सकता है या रख सकता है अपनी बात? जी आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई, साथ ही साथ बेरोजगारी दर, शिक्षा चिकित्सा की गुणवत्ता को लेकर इस बार विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आएगा। वहीं अगर बात की जाए तो महंगाई एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर जहां केंद्र की जो पार्टियां हैं, चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो महंगाई बढ़ती जा रही इसके विरोध में जहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के तहत तमाम वादे दावे कर रहा है और साथ ही साथ भारत को जोड़ने का वो काम कर रहा है ऐसा उनका कहना है, उसी क्रम में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई और साथ ही साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग पीडब्ल्यूडी के अंदर में घोटाले देखने को मिले हैं, इन सब मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता सरकार के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे अहम मुद्दे, चाहे बात की जाए तो जो मैनिफेस्टो में यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे हैं उस पर भी बात की जाएंगे। और वहीं अगर देखा जाए तो आवारा पशु यानी कि छुट्टा पशुओं पर भी सवाल उठेंगे। वहीं बात की जाए बढ़ते डीजल और पेट्रोल के कीमतों पर जो राज्य सरकार की तरफ से टैक्स लगाए जा रहे हैं उसमें रियायत दिलाने को भी लेकर बात किए जाएंगे। अब ये 19 सितंबर से और 23 सितंबर के बीच में जो कार्यकाल होना है विधानसभा का मानसून सत्र, अब इसमें ये साफ हो पाएगा कि किन किन मुद्दों पर इन्होंने घेरा। मगर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, साथ ही साथ पक्ष अपने कामों को लेखा जोखा लेकर और सरकार की उपलब्धियां गिनाने को लेकर तैयार है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जहां अपने उपलब्धियों को गिनाएगा तो विपक्ष कैसे अपने मुद्दों को लेकर हमलावर होगा। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में लेवाना अग्निकांड पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक इस अग्निकांड के बाद 19 अफसरों और इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि जो अफसर निलंबित हुए हैं उनमें से 4 रिटायर्ड अफसर भी शामिल हैं। लखनऊ में लेवाना अग्निकांड पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस अग्निकांड में 19 अफसरों और इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ में लेवाना अग्निकांड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस अग्निकांड के बाद 19 अफसरों और इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। तादे निलंबित हुए हैं जिसमें 4 रिटायर्ड अफसर भी शामिल हैं। बता दें जिन पर एक्शन किए गए हैं वो ज्यादातर रिटायर्ड अफसर हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, लखनऊ में लेवाना अग्निकांड पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? जी मयूरी, आपको बता दें कि प्रदेश को दहला देने वाले लखनऊ अग्निकांड का मामला जहां एक तरफ प्रदेश के साथ साथ देश का मुद्दा बन गया था, उसी क्रम में आपको बता दें कि लगातार कार्रवाइयां हो रही थी, टीम गठित किए जा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री की आदेश के बाद जो मंडलायुक्त है रोशन जैकब और साथ ही साथ है जो लखनऊ सीपी शिरोडकर साहब है, इन लोगों की अगुवाई में टीम बनाई जाती है। उसके ठीक बाद पूरे मामले की जांच, जो अग्निकांड की जांच थी, वो आशीष कुल्हारी को दी जाती है। वहीं अगर बात की जाए तो इन तमाम अफसरों के लगातार जांच के बाद और जो होटल है उसके ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद जो तमाम कमियां थी उस पर जब नजर डालते हुए अधिकारी देखते हैं तो देखा पाया ये जाता है कि लिवाना होटल चलने में ऐसी कई सारी कमियां थी जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। पहली कमियां ये थी कि अग्नि जो समन विभाग है उसकी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से जो होटल के दरवाजे थे, जो होटल के खिड़कियां थी, उस पर ग्रिल लगे थे, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत हुई और जिसके चलते एक जो धुएं का गुब्बारा होटल बन गया था। उसी क्रम में आपको बता दें कि होटल के नक्शे नहीं पास थे। वहीं अब होटल को अगर देखा जाए तो अग्निशमन के जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं 2017 से नहीं थे। उसके ठीक बाद जो एलडीए के तमाम कर्मचारी थे जिनकी मिली भगत सामने आई है, तो वही बताया आपको कि ऐसे 19 अफसरों के नाम सामने आए हैं जिनकी सह पर ये होटल पूरे देखा जाए तो लखनऊ में चल रहा था। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो इन अफसरों की ढिलाई की वजह से, जिसमें तमाम अफसर रिटायर हो चुके हैं, तो बात की जाए तो जब जो लखनऊ के सीपी हैं और साथ ही साथ डीजीपी हैं, तमाम जो जिम्मेदार हैं उनकी सब तरफ से जब जांच किया गया तो ये पाया गया कि जब होटल के अंदर में क्षमता से अधिक केवी के जो विद्युत की सप्लाई है वो कैसे दी गई। वहीं आपको बताया कि कमर्शियल के तौर पर अगर देखा जाए तो एक मानक के आधार पर पूरी जो नियमावली उसको तोड़ते हुए दिया गया था। साथ ही साथ ऐसे देखा गया कि 2017 से जब होटल चल रहा है तो उसके अंदर में जो कमियां थी उस पे अफसर क्यों आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए थे। वहीं अगर देखा जाए तो इन अफसरों का साफ तौर पे ये आरोप लगा है कि आखिर जब 2017 में मानचित्र के बगैर वो होटल बना था, तमाम जो नॉर्म्स थे उसको पूरा नहीं किया जा रहा था, तो आखिर आंख में पट्टी बांध के अफसर क्यों बैठे हुए थे, कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो ऐसे 19 अफसरों को चिन्हित करके और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में अब देखने वाली बात होगी कि क्या सजा माननीय कोर्ट की तरफ से सुनाई जाता है। मगर आपको बताएं कि इन अफसरों की वजह से आज आपने देखा कि उनके लापरवाही की वजह से और उनके जो आंख पे पट्टी बांध के जो रवैया किया है उनकी तरफ से, जो रिटायर हो चुके हैं उसकी देन की वजह से 5 या 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, साथ ही साथ कई लोग घायल हुए। जी जी विवांशु, इस अग्निकांड में अभी तक 19 अफसरों और इंजीनियर को निलंबित किया गया है, तो क्या अभी आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रदेश भर के ऐसे होटल और तमाम प्रतिष्ठानों पर जांच किए जा रहे हैं जो तमाम नॉर्म्स को मान नहीं रहे हैं, उसके बावजूद अपने प्रतिष्ठानों का संचालन करा रहे हैं, तो ऐसे होटलों को चिन्हित किया जा रहा है। उसी क्रम में लिवाना एक अगर देखा जाए तो प्रदेश भर के जो अफसर हैं उनको आंख खोलने, ये कार्रवाई अगर देखा जाए तो आंख खोलने का काम करेगी, क्योंकि देखा जाए तो 2017 से उसे लिवाना होटल के अंदर में तमाम नॉर्म्स नहीं थे, उसके बावजूद होटल चल रहा था। तो इन अफसरों पर जो गाजगिरी है, खास तौर से देखा जाए तो जो रिटायर्ड अफसर है उन पर भारी जुर्माना लगाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को संदेश मिले कि अगर आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो आपको रिटायर के बाद भी सजा मिलेगी। अब कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा जिसके चलते ये अग्निकांड हुआ, और साथ ही अगर देखा जाए तो एलडीए के तमाम अफसर जो भूतपूर्व काम किए हैं एलडीए में तमाम पदों पर रहकर, उनके आंखों पर पट्टी बांधे का नतीजा है कितना बड़ा अग्निकांड हुआ जिसमें कहीं ना कहीं 4 लोगों ने जान गंवाई और दर्जनों के लोगों ने घायल हुए। वहीं अगर बात की जाए तो मयूरी, इन अफसरों की लापरवाही का देन था कितना बड़ा हादसा हुआ। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।